हेलो गाइस, तो कैसे हो? तो मैं वापस आ गया को नया वीडियो लेके माइनक्राफ्ट की सर्वर के ऊपर। तो आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ एक नया होस्टिंग आया है, नाइट क्लब होस्टिंग। तो ज़्यादा ना वीडियो को वेस्ट करते हो तो आप लोग को बताता हूँ उस सर्वर के बारे में। तो ये सर्वर कल ही लॉन्च हुआ है, यानी कि 11 तारीख को। तो ज़्यादा वेस्ट करते हुए तो आप लोग को चलते इसका डिस्कॉर्ड के ऊपर ले जाके आप लोग को बताते हैं इनका क्या क्या होस्टिंग के बारे में है। तो चलते हैं इनका डिस्कॉर्ड। तो ये है नाइट क्लब क्लाउड होस्टिंग। तो यहाँ पे आप लोग को फ्री होस्टिंग सब दिख जाएगा। यहाँ पे VPS प्लान भी आने वाला है कुछ दिन के अंदर, कुछ दिन में। तो यहाँ पे पेड होस्टिंग भी इनका लॉन्च होगा कुछ दिन के अंदर। लॉन्च हुआ नहीं है पेड होस्टिंग, तो ये भी लॉन्च हो जाएगा कुछ दिन में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका पेड होस्टिंग का प्लान इस तरह है। और यहाँ पे राइजन भी इन लोग लॉन्च करेंगे कुछ दिन के अंदर, मतलब जैसे हो जाएगी। और यहाँ पे आप लोग को इधर दिखेगा प्रमोट का, प्रमोट आप लोग करना चाहते हो तो यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं इनको। और यहाँ पे एक्टिव प्लान ये सब रहता है। तो यहाँ पे फ्री प्लान यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 GB रैम दो सब दे रहा है। यहाँ पे आप लोग जाएंगे लिंक वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा फ्री वाले डैशबोर्ड के अंदर जाने का। और यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो इनका ये ब्लू सी आप लोग को दिख रहा होगा। तो अगर कुछ भी आप लोग को इशू होगा तो इनसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं इनको टैग करके इनसे पूछ सकते हो। तो यही है होस्टिंग का एक तरफ से ओनर, या फिर आप लोग को साइज कुछ भी होगा प्रॉब्लम होगी तो इनसे आप लोग बात कर सकते हो कुछ भी इशू होगा तो। तो चलते हैं आप वीडियो को शुरू करते हैं फ्री होस्टिंग। तो आप लोग सिंपली से लिंक वाले पे, और लिंक वाले पे फ्री आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन वाला आएगा। तो लॉगिन के लिए आप लोग खुले आप लोग को जाना होगा डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड वाला वहाँ पे आप लोग को पहले क्लिक करना। यहाँ पे आप लोग को नीचे में दिख रहा होगा रजिस्टर न्यू मेंबर, रजिस्टर न्यू मेंबर पे आप लोग को क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आप लोग को डाल देना अपना नाम, ईमेल और पासवर्ड आप लोग को डाल देना है। तो ये सब डालने को तो आप लोग कर देना है आई एम नॉट रोबोट, और लॉग इन रजिस्टर पे क्लिक कर देना। और एक बात आप लोग को बताना भूल गया, तो यहाँ पे जो यूजर आपको टॉप में डालना है, यहाँ पे स्पेस नहीं डालना। तो यहाँ पे मैंने स्पेस डाल दिया था, दे रहा था तो स्पेस यहाँ पे काट के कर देना आपको। और रजिस्टर करने के बाद कुछ स्टेप्स आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग ऊपर में 3 डॉट दिखेगा, तो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को इधर क्रिएट सर्वर सर्वर दिखेगा। सर्वर पे जाना और यहाँ पे क्रिएट सर्वर आप लोग को मिलेगा। तो क्रिएट सर्वर पे आप लोग क्लिक कर देना है। फिर सर्वर पे क्लिक करने के बाद आप लोग को फर्स्ट में आप लोग को नाम पूछेगा, तो नाम डाल देना है। और सेकंड में आप लोग को एक ऑप्शन आएगा माइनक्राफ्ट का, तो माइनक्राफ्ट पे सिलेक्ट करना। आप लोग को कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, पेपर बनाना बर्गर भी सब जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे में आएगा क्रिएट सर्वर। क्रिएट सर्वर पर आप लोग को जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग का इसमें क्रिएट सर्वर हो जाएगा। कई बार इशू आएगा तो बैक करके वापस भी आप लोग कर सकते हैं। तो जैसे देख सकते हैं मेरा यहाँ सर्वर क्रिएट हो गया। तो वापस हम लोग चलते हैं पैनल में, और पैनल में चलते हैं तो पैनल पे यहाँ पे आ गया। तो पैनल ये रहा मेरा, तो यहाँ पैनल आ गया। तो पैनल पे आप लोग जो जो आप लोग डाले थे उसको पासवर्ड ये सब डाल के आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट पैनल के थ्रू लॉगिन ले सकते हो, या फिर वहाँ से मेजर पर करें तो वहाँ से भी पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग बस सर्वर को स्टार्ट करके देख लेते हैं सर्वर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर जब तक स्टार्ट हो रहा है तब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर जो जरूर इनका डिस्कॉर्ड चैनल में ज्वाइन हो जाएगा। कुछ भी इशू होगा तो रिगार्डिंग आप लोग बात कर सकते हो, या फिर सर्वर कुछ इशू चल रहा है तो वहाँ पे सबसे पहले आप लोग को अनाउंसमेंट होगा, तो आप लोग वहाँ से पता कर सकते हो पहले। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा, और कमेंट में भी बताएगा और आप लोग को किस टाइप का वीडियो चाहिए, तो वैसे वैसे मैं आप लोग को वीडियो देते रहूँगा। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर हो गया है स्टार्ट। तो चलते हैं इधर जो फाइल में जाने वो, तो आप लोग को सबसे पहले पता ही होगा कि अगर आप लोग क्रैक मोड खेलते हैं तो सर्वर प्रॉपर्टी में जाके आप लोग को पहले ऑनलाइन मोड को कर देना फॉल्स। तो पहले मैं जाके ऑनलाइन मोड को कर देता फॉल्स। और यहाँ पे मैं गलती से स्पेस कर दिया, तो फोन में स्पेस कट नहीं रहा था तो मुझे वापस बैक करके इसको करना पड़ा वापस फॉल्स। तो करता हूँ मैं इसको फॉल्स वापस बैक करके सर्वर प्रॉपर्टीज, और इसको करता हूँ फॉल्स।
इसको क्या कहता हूँ, फॉल्स, फॉल्स और सेव कॉन्टेक्ट कर देता हूँ। और इधर वापस मुझे जाना है फाइल में, फाइल में जाने के बाद वापस जाना प्लगइन, प्लगइन में जाना जो जो आप लोग को प्लगइन डालना, जैसे वीगा वगैरह ये सब डालना है, तो मैं ये सब डाल लेता हूँ पहले। तो ये रहा मेरा चारों प्लगइन, तो ये चारों प्लगइन को मैं अपलोड कर देता हूँ। ये चारों प्लगइन अपलोड हो रहा है हम लोग तब तक से। तो यहाँ पे मेरा सारा प्लगइन अपलोड हो गया, तो चलते हैं एक बार सर्वर को फिर से हम लोग रिस्टार्ट कर देते हैं एक बार। और यहाँ पर हम लोग का सर्वर हो रहा है रिस्टार्ट। तो साथ में जब आप लोग का रिस्टार्ट हुआ, तो वैसे आप लोग आईपी को कर लीजिएगा कॉपी आईपी एड्रेस को, जैसे कि आप लोग गीजर वाले पे जाके कॉन्फ़िगर कर ले, जो होता है जैसे आप लोगों को पता होगा कॉन्फ़िगर करना होता है गीजर वाला पे प्रोग्रेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो चलते हैं, इसको सर्वर होगा रिस्टार्ट हो गया हम लोग का, तो चलते हैं हम लोग करते हैं हम लोग सर्वर को सॉरी गीजर को सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं गीजर वाले पे, गीजर स्प्लिट कॉन्फ़िगर डॉट वाई टी एम एल। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पोर्ट, वो पोर्ट को काट के जो हम लोग का सर्वर का पोर्ट दिया हुआ है उस पोर्ट को डालना है हम लोग को। तो मेरा है 6006, तो इसको मैं डाल देता हूँ 6006। तो ये डालने के बाद आप लोग को नीचे जाना है और नीचे जाना और नीचे जाना है। यहाँ पे आप लोग को एक दिखेगा एड्रेस दिखेगा, तो एड्रेस पे ऑटो होगा, तो ऑटो को काट के आपका जो आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस को पेस्ट कर देना है, और यहाँ से आईपी को सिर्फ काट देना, एड्रेस को रहने देना। तो ये कर देने का आप नीचे एक और पोर्ट दिखेगा, तो वहाँ पे 6 होगा, तो उसके जगह 7 कर दीजिएगा। और थोड़ा नीचे जाइएगा तो एक और मिलेगा जो ऑनलाइन पे सेट होगा, तो उसको काट के इसको फ्लूट फ्लूट गीजर पे कर देना सेट, इसको फ्लूट गेट सॉरी फ्लूट गीजर नहीं फ्लूट गेट पे सेट कर देना, फ्लूट गेट पे इसको सेट करने के बाद आपको कर देना सारा कॉन्टैक्ट को तो सेव कर देना, सेव कर देना इसको। इसको सेव करने के वापस कंसोल में जाना, कंसोल में जाना वापस एक बार सर्वर कर देना रिस्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर हो गया रिस्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर हो गया रिस्टार्ट हो गया, तो चलते हैं आप लोग हम लोग गेम के अंदर। यहाँ पे हम लोग का गेम जब तक स्टार्ट हो रहा था, तब से आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारा यहाँ पे 90% सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी देख रहा है, अगर न्यू न्यू ऐसा वीडियो अपलोड में करते रहता हूँ। तो चलते हम लोग सर्वर को ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड न्यू सर्वर पे जाके इनका एड्रेस पेस्ट कर देते हैं, पोर्ट को काट के जो पोर्ट है इस पोर्ट को डाल देते हैं 3006, और ऊपर से हम लोग पोर्ट को यहाँ से काट देते हैं, पहले पोर्ट को काट देते हैं और ऊपर में टेस्ट लिख के सर्वर को स्टार्ट करते हम लोग टेस्ट सेव। चलते हैं ऊपर और ये रहा हम लोग सर्वर हो गया स्टार्ट यहाँ पे, और कत चलते हैं शुरू करते हैं सर्वर को।
यहाँ पे हम लोग का सर्वर हो गया ज्वाइन, तो यहाँ पे हम लोग का लोड ले रहा। और ये सर्वर का प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा स्वेयर, क्योंकि मेरा नेटवर्क का थोड़ा स्वेयर, तो इसलिए मेरा लोड लेना थोड़ा स्लो लोड होगा, इससे थोड़ा लेट से लोड हो जाएगा। थोड़ा देर वेट करते हैं लोड होने का, लोड हो जाए जल्दी, लोड हो जाए, इतना स्लो चल रहा है क्या नेट, लोड लेगा। तो सर्वर तो हम लोग का स्मूथ चल रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है, अटक नहीं रहा, ठीक तो चल रहा है हम लोग का सर्वर। तो चलते हैं को लोड करता, चंक हम लोग का लोड ले रहा है धीरे धीरे। जैसे आप लोग का नेटवर्क इशू, नेटवर्क जैसे आप लोग का रहेगा वैसे आप लोग का लोड होगा। अगर आप लोग का वाईफाई थ्रू है तो वाईफाई के थ्रू तो तुरंत लोड लेता जहाँ तक हो सकता, क्योंकि आप लोग को जैसे जैसे पता होगा जिनके पास जियो 5G होगा तो लोग को पता होगा कि जियो 5G के थ्रू बहुत तो ये होता है माइनक्राफ्ट इशू होता है नेटवर्क सर्वर ज्वाइन होने में। तो यहाँ पे हम लोग चलते अपने आपको पहले ऑपरेटिव दे देते, तो मैं साइड में अपना पॉपअप खोल लिया सर्वर का। तो यहाँ पे अगर ओपी नहीं पता आपको कैसे दिया जा रहा है तो उस पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे पहले ओपी लिख देना है, ओपी डॉट क्रेजी किलर डैश किलर 534 लिख के एंटर कर देना। इसको लिख के एंटर कर देंगे तो आप लोग ऑपरेटिंग मिल जाएगा, यानी कि सर्वर का सारा मिल जाएगा, सर्वर का सब कुछ का क्रिएटिव मोड जो भी आप लोग कॉन्फिगर करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे गेम मोड क्रिएटिव हो जाता हूँ, यहाँ से गेम मोड क्रिएटिव इंटर, तो यहाँ पे मैं गेम मोड क्रिएटिव हो गया। और यहाँ पे पेड़ रोक रहा जाने दे ऊपर, हाँ तो ये आ गया मैं ऊपर। तो देख सकता हम लोग कितना स्मूथ चल रहा है, कुछ अटक नहीं रहा इसमें, और थोड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा है लोड लेने में, थोड़ा वही मेरा नेटवर्क इशू रिगार्डिंग हो रहा। तो लोड जैसे धीरे धीरे ले लेगा मेरा नेटवर्क के हिसाब से, तो यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोड ले रहा, तो यहाँ पर लोड ले रहा है जब तक। तो यही था आज का इस सर्वर में। तो अगर आप लोग को इस सर्वर अच्छा लगा तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, सर्वर फ्री फ्री है अभी, तो जल्दी से ज्वाइन करके ले लीजिए। और इनका पेड सर्वर भी कुछ दिन में आ जाएगी, तो पेड सर्वर अगर आप लोग को चाहिए होगा तो पेड सर्वर भी आप लोग ले सकते हैं इनका। तो मिलता है आप लोग से ऐसे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब से देखते रहिए हमारा वीडियो, तब से बाय बाय। तो मिलता है आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।